जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल कन्याकुमारी में, और जितना एक्साइटेड आप लोग हैं ना ये सुन करके कि 3 नाइट और 4 दिन हम लोग इस ट्रेन में बिताने वाले हैं, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूं इस जर्नी के लिए। और जो हमारी हिमसागर एक्सप्रेस है ये कन्याकुमारी से दोपहर 2:15 पर खुलती है, और हम लोग लगभग 3 रातें इसी में बिताने वाले हैं। और ये ट्रेन एक अच्छे खासे लंबे रूट को कवर करके ना हमें पहुँचाएगी श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा तक। लगभग 3,800 किलोमीटर की दूरी आज हम लोग इस ट्रेन में तय करने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि एक नई खूबसूरत यात्रा आपका इंतज़ार कर रही है। कन्याकुमारी भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इसलिए ट्रेन से इसके आगे नहीं जाती हैं, और जो लोकोमोटिव है उसको भी यहीं से रिवर्स होकर के अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ता है और बढ़ जाता है वो नागरकोइल की ओर। ये जो अपनी हिमसागर एक्सप्रेस है ये इंडिया की अपनी 3री लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में से है। सबसे पहली है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, और दूसरी है तिरुवनंतपुरम से सिलचर अरोनई एक्सप्रेस, और तीसरी है अपनी हिमसागर जिसमें आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं। हमारा जो रूट होगा वो होगा कन्याकुमारी चलकर तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, तिरुपति, विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, धुरी होते हुए हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएंगे। वैसे इस ट्रेन में 3 क्लास ही अवेलेबल है, 3 टायर, स्लीपर और सेकेंड सीटिंग, जिसमें सेकेंड सीटिंग का किराया आपको पड़ेगा 680 रुपीज़, स्लीपर का 1080 और 3 टायर का किराया आपको पड़ेगा 2800 रुपीज़। वैसे ये 3 नाइट्स 4 डेज़ का पैकेज काफ़ी सस्ता नहीं लग रहा है इस ट्रेन में। खाना पीना आपको खुद खरीदना पड़ेगा, बाकी कुछ ऐसा किराया और ऐसी सुविधा आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेंगी। तो मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ वीगो ऐप को, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स, ये सभी चीज़ बुक कर सकते हैं। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स और 1000 से ज़्यादा रिजल्ट को कंपेयर करके बेस्ट डील बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करता है। तो हाल ही में वीगो ने ट्रेन टिकट्स बुकिंग भी शुरू की है, जिसमें से ये टिकट भी मैंने वीगो ऐप से ही बुक की है। मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करूँ कितना ईजी है यहाँ पर टिकट बुक करना। यहाँ पर आप वीगो ऐप पर जाइए, ट्रेन पर क्लिक करिए, आपको फ्रॉम स्टेशन डालना है, टू स्टेशन डालना है, और अपनी डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करिए और सर्च रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, और जो भी ऑप्शंस आते हैं ना, जो आपको सूटेबल लगता है उसे आप इजीली यहीं से बुक कर सकते हैं। वैसे आप लोग के लिए एक सलाह ये भी है कि भाई ट्रेन टिकट बुक करने से पहले फ्लाइट का किराया भी सेम रूट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम किराए में फ्लाइट टिकट्स भी प्रोवाइड करता है। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीगो ऐप का, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, अपनी ट्रैवलिंग को शुरू करो। तो फाइनली पूरी एक्साइटमेंट के साथ कन्याकुमारी से अपना डिपार्चर होता है। भाई अब 3 दिन इसमें काटने थोड़ा नर्वस भी है, क्योंकि नहाने वगैरह को नहीं मिलेगा, और बाकी खाने पीने का जो अरेंजमेंट वो तो हो जाएगा रास्ते में बड़े बड़े स्टेशन से, लेकिन हाँ टेंशन वही है नहाने की, और मतलब कैसे 3 दिन काटेंगे। बाकी अब तक 2400 किलोमीटर मेरा मैक्सिमम रहा है, अब 3800 ये मेरा इससे ज़्यादा होने वाला है, रिकॉर्ड टूटने वाला है। अभी फाइनली निकल चुके हैं कन्याकुमारी से शार्प 2:15। अगर कोई स्टेशन के बीचों बीच काफी खूबसूरत सा गार्डन बना रखा है रेलवे ने। यहाँ 2:35 पे आ चुके हैं नागरकोइल जंक्शन, यहाँ पे 2:40 हमारा अराइवल टाइम था। नागरकोइल का स्टेशन कोड है NCJ, और यहाँ से मदुरई की ओर रूट गया हुआ है। तिरुनेलवेली जंक्शन होते हुए मदुरई तिरुचिरापल्ली के रास्ते ये रूट चला जाता है चेन्नई की ओर, और जिस लाइन पर अभी हम लोग बढ़ेंगे वो चली जाएगी तिरुवनंतपुरम होते हुए एर्नाकुलम और कोयम्बटूर वाले रूट की ओर, इसलिए नागरकोइल को जंक्शन कहा जाता है। खाने पीने की चीज़ें यहाँ स्टेशन में अवेलेबल थी, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पर और दिखाऊंगा वो रूट भी जो चेन्नई के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों यहाँ बिल्कुल राइट टाइम 2:45 पर नागरकोइल जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। कन्याकुमारी जो भी लोग आते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं कि नागरकोइल इतना पास है, और क्योंकि यहाँ के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती हैं अगर कंपेयर किया जाए कन्याकुमारी से, तो जब भी आप सर्च कर रहे हो तो नागरकोइल के लिए भी ट्रेन देख लिया करो, क्योंकि यहाँ से मात्र 13-14 किलोमीटर कन्याकुमारी, जो आप बाई रोड भी ट्रैवल कर सकते हो। यही लाइन है जो तिरुनेलवेली होते हुए मदुरई के रास्ते तिरुचिरापल्ली होते हुए चेन्नई तक चली जाती है। माफ़ी चाहूँगा, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, इसलिए हो सकता है आपको हवा की आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिले, लेकिन ये रूट काफ़ी खूबसूरत है। देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं पीछे, अभी इस रूट में भी ट्रैवल किया जाएगा। Thank you.
कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिमसागर का इंटीरियर इतना साफ़ सुथरा होगा भाई, सच में काफ़ी साफ़ सुथरी। बस हाँ, चार्जिंग सॉकेट्स की कमी है कि 6 पैसेंजर के लिए एक ही चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और एक साइड लोअर साइड अपर में भी दिया गया है बाकी, लेकिन सीट्स वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें आपको दिक्कत तो होने वाली है नहीं लंबी जर्नी में। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से चलकर अब हम लोग आ चुके हैं केरल राज्य, और केरल राज्य की राजधानी में यानी तिरुवनंतपुरम में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ आते आते हम लोगों ने 86 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और यह हमारी ट्रेन का तीसरा स्टॉप है कन्याकुमारी के बाद। कुल मिलाकर ऐसे ही लगभग 65 रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान रुकने वाली है। नाब स्वामी टेम्पल के लिए मशहूर और साथ साथ अपने सी फूड के लिए मशहूर तिरुवनंतपुरम में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर ट्रेन अपने निर्धारित समय यानी 4:05 से थोड़ी सी देरी, 10 मिनट की देरी से पहुँच चुकी है। बाकी यहाँ तक जो सफ़र था ट्रेन में काफ़ी अच्छा था, ट्रेन में कोई भी भीड़ वगैरह देखने को नहीं मिली है। बाकी मैं आप लोग को बता दूँ, खाने पीने के लिए ट्रेन में पेंट्री का सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप मतलब स्टेशन को एक्सप्लोर करते हुए जाएँ, क्योंकि जब तक ट्रेन साउथ में है आपको इडली वड़ा ऐसी चीज़ें रास्ते में खाने पीने के लिए मिलती रहेंगी, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केरला में जब मैं कुछ ही समय पहले आया था, जब मैं कन्याकुमारी जा रहा था, तो मैंने आम, कच्चे आम देखे थे, मतलब बहुत सारे सूट में लगे हुए थे। साथ साथ जो बैक वाटर्स का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी सुंदर है, ओवरऑल आपको मज़ा काफ़ी आएगा इस रूट में। ज़्यादा देर हमारी ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकी त्रिवेंद्रम में भी, और बाकी यहाँ से सबसे लॉन्गेस्ट राजधानियों में से एक तिरुवनंतपुरम राजधानी चलते हैं, और यहाँ पर दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी में बैठने का भाई सपना है, लॉन्गेस्ट राजधानी में भी कभी ट्रैवल करेंगे। अभी लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी तो आप लोग देख ही रहे हैं, और एक और नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस जो कि डेली ट्रेन है उसमें भी एक बार ज़रूर ट्रैवल किया जाएगा। बाकी आप लोग कौन सी ट्रेन सबसे पहले देखना प्रेफर करोगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, और बाकी खाने पीने का जो इंतजाम हम रास्ते में करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा, पहले कुछ पेंट्री कार से ट्राई किया जाए। दोस्तों भारत में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, उन्हीं में से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल भी है, एक और है मैंगलोर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ हिमसागर एक्सप्रेस के स्लीपर का हाल कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ी कम साफ़ सुथरी लगी, बाकी ओवरऑल ट्रेन काफ़ी सही चल रही है। और अब से कुछ ही समय हम लोग कोल्लम पहुँचने वाले हैं, कोल्लम जंक्शन। गाइस कुछ ऐसे ही इस ट्रेन के स्लीपर को भी एक्सप्लोर करते हुए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कोल्लम जंक्शन। अब जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा, लेकिन वैसे इंडिया का तीसरा सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है, पहले देखते हैं अराइवल। कोल्लम जंक्शन आने के पहले आपको एक खूबसूरत सा कर्व भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस ट्रेन में स्लीपर के कोच कितने हैं।
भैया केला चिप्स कितना? केला के चिप्स संदीप भाई को भी काफ़ी पसंद है, एक ले लिया जाए। कितना भैया? 80। और ये टैपियोका है क्या? तो ये पेड़ की जड़ से बनता है टैपियोका, काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है। ये भी ले लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे साथ में ये है केरला का हलवा जो कि काफ़ी फेमस होता है, तो ये भी आप लोग फ्राई कर सकते हैं। बाकी मीठा काफ़ी हो चुका है इसलिए यहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं लेंगे, बनाना चिप्स और ये फ्राई किया जाएगा। अभी गाइस कोल्लम से एक रूट गया हुआ है सेंगोट्टई तेनकासी होते हुए मदुरई तक, जो कि पहले मीटर गेज का हुआ करता था, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और अब यह लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन भी है। एक ज़माना था जब यहाँ से मसाले वगैरह को, जो केरला जो है फेमस है अपने मसालों के लिए, तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था कई देशों के लिए। फिलहाल वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ से पोर्ट वगैरह काफ़ी करीब है, इससे ये सब तब पॉसिबल हो पाता था। लेकिन अभी तो चीज़ें अपने ही देसी यूज़ के लिए यूज़ होती हैं, और साथ साथ यहाँ पे काजू की प्रोसेसिंग और बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छे ढंग से होती है, इसलिए कोल्लम काफ़ी मशहूर है। और चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर और ये सब चीज़ें ट्राई भी तो करनी है अभी। और यहाँ के 5:20 पर हम लोग निकल चुके हैं कोल्लम जंक्शन से। यहीं से दोस्तों सेंगोट्टई तेनकासी वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है और हम लोग एर्नाकुलम वाली लाइन की ओर बढ़ जाते हैं। वो देखिए वो लाइन चली गई अलग हमसे दूर। परशुराम एक्सप्रेस बेंगलोर नागरकुल। केरला आ रहे हो तो बनाना चिप्स तो ज़रूरी ट्राई करना चाहिए, और स्वाद काफ़ी अच्छा लगा। मतलब शाम के समय सनसेट देखते जाओ और चिप्स वगैरह एंजॉय करते हो, जर्नी एंजॉय करो। बाकी जो मिल्क था ना सनफीस्ट का, ये भी काफ़ी गाढ़ा है, काफ़ी टेस्टी है, इसे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो काफ़ी कमाल कर रहा है ट्रेन में। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब सीधा आप लोग से मुलाकात होगी एर्नाकुलम टाउन में, लेकिन उससे पहले सनसेट और भी खूबसूरत नज़ारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। खूबसूरत बैक वाटर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो भी बैक टू बैक इतने सारे। यहाँ देखिए कितने सारे कच्चे आमों से लदा हुआ है वो पेड़। और अपनी ट्रेन अभी कायनकुलम जंक्शन से निकल रही है दोस्तों। बहुत सारे इमोशंस को लेकर चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। जितने भी हमारे फौजी भाई लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं या पठानकोट या ऐसे एरियाज़ में पोस्टेड हैं, उनके लिए एक बहुत ही सहूलियत वाली गाड़ी है। यहाँ वो अपनी फैमिली से मिल करके अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाते हैं जम्मू की ओर, तो काफ़ी इमोशनल लम्हे भी आपको इस ट्रेन में देखने को मिलते हैं। एर्नाकुलम पोस्टल वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है और हम लोग कोट्टयम वाली लाइन की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ 307 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपने 10वें हॉल्ट यानी 10th हॉल्ट एर्नाकुलम टाउन पहुँच चुके हैं। जिन लोगों को लक्षद्वीप जाना है या कोस्टल केरला एक्सप्लोर करना है, उनके लिए बेस्ट जगह एर्नाकुलम, ज़रूर आइए, आपको यहाँ पे मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे यहाँ से आप इसे अपना डिनर हॉल्ट बना सकते हो। ट्रेन का यहाँ पे अराइवल टाइम 8:40 का था और 5 मिनट का हॉल्ट टाइम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आधे घंटे पहले ही पहुँच चुके हैं। ट्रेन हमारी यहाँ पे 8:10 पे प्लेटफॉर्म में पहुंच के एर्नाकुलम टाउन के। वैसे ये स्टेशन छोटा है क्योंकि एर्नाकुलम जंक्शन एक और स्टेशन जो कि काफ़ी बड़ा है, जहाँ से मतलब लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होती हैं। अब जितनी भी ऑलमोस्ट बाईपास वाली ट्रेनें हैं ना, वो सब यहीं से निकलती हैं।
बाकी यहाँ पे कुछ डिनर वगैरह उठाया जाएगा। कोच्चि को यानी एर्नाकुलम को फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला भी कहा जाता है। और एक और चीज़, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग 14th सेंचुरी से हो रही थी ना अरेबियन कंट्रीज से, वो सब यहीं से होती थी स्पाइसेस वगैरह की। इससे जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे फिलहाल काफ़ी ह्यूमिडिटी है और ऐसे में पसीना वगैरह आ रहा है, वापस अंदर चला जाए। डिपार्चर टाइम पे आप लोगों से मिलूंगा और बाकी डिनर वगैरह का रिव्यू करेंगे हम लोग। और यहाँ पे कोची वैली मैसूर एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई है और एर्नाकुलम टाउन से भी हमें निकलने का जो डिपार्चर सिग्नल है वो मिल चुका है। और यहाँ पे आप समय देखिए 9:03, 8:45 अपना डिपार्चर टाइम पर, यहाँ अच्छा खासा डिले हमें यहीं हो चुका है। एर्नाकुलम से ये अपने संदीप भाई लेके आए हैं वेज कुरमा और साथ में चपाती, और यहाँ पे है सेट डोसा, उसके साथ यहाँ पे सांभर, चटनी, सभी चीज़ें जल्दी से इसे टेस्ट किया जाए। दोस्तों यहाँ पे अपने पास सेट डोसा और साथ में वेज कुरमा, एक्चुअली मैं उल्टा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि सांभर वैसे मिला था सेट डोसा के साथ, पर मुझे वेज कुरमा काफ़ी पसंद है अपम और सेट डोसा के साथ। देखते कैसा है स्वाद। केला का एकदम टेस्ट, नारियल वगैरह पड़ा हुआ है और मटर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बर्थ हैं। चपाती के साथ सांभर, उल्टा कोम्बो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है स्वाद। ऐसा लग रहा है जैसे दाल रोटी खा रहे हैं। और ये मूली का सांभर है यानी रेडिश का, स्वाद काफ़ी अच्छा है, मतलब ओवरऑल डिनर से काफ़ी अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन है। और आपको एर्नाकुलम में भी खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बिरयानी वगैरह आपको सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल थी, तो वैसे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिनर पॉइंट आप एर्नाकुलम टाउन को बना सकते हो अपना। चलिए जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ अपनी ट्रेन अलुवा रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है जो कि एर्नाकुलम टाउन से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और यहाँ से डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है। चलिए चला जाए ट्रेन के अंदर। बाकी डिनर जो था काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी सेटिस्फाइंग था, मतलब पेट भरा हुआ लग रहा है और मन भी अच्छा लग रहा है उसको खाने के बाद। बाकी दोस्तों फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी सोया जाए, कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करता हूँ जैसे ही नींद खुलती है काठपाड़ी चित्तूर तिरुपति मार्ग में। अभी के लिए गुड नाइट। हमारी ट्रेन अभी पलक्कड़ कोयम्बटूर के रास्ते सेलम होते हुए बढ़ जाएगी जोलारपेट काठपाड़ी की ओर। केरला एक्सप्रेस नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम। आई थिंक ये रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस है और ये वेलूर लाइन मर्ज हो रही है काठपाड़ी रेलवे स्टेशन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ हिमसागर एक्सप्रेस जर्नी। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं काठपाड़ी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 7:20 का था, पर सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं और भाई मौसम काफ़ी अच्छा है। चलिए जल्दी से पहुँचते हैं काठपाड़ी, बाकी बातें आपसे वहीं पर करता हूँ। हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस। और भाई यहाँ वेंडर्स आ चुके हैं ब्रेकफास्ट लेकर, चलिए कुछ ना कुछ तो ट्राई किया जाएगा काठपाड़ी से भी आपके लिए। दोस्तों यहाँ 875 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग आ चुके हैं काठपाड़ी जंक्शन। अब इसे जंक्शन क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ से चेन्नई बैंगलोर और चेन्नई कोयम्बटूर वाली जो लाइन है हमारी ट्रेन की लाइन यानी तिरुपति पकाला रेणीगुंटा वाली लाइन से अलग हो जाती है। बैंगलोर चेन्नई लाइन के लिए ये रूट है और जिसमें हम बढ़ने वाले हैं ना, जो भी तिरुपति लाइन की ट्रेन्स हैं वो उस तरफ आती हैं, जैसे कि आपने यशवंतपुर हावड़ा देखा और अभी रामेश्वरम से तिरुपति जाने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस भी आ रही है, वो सभी ट्रेनें उस साइड जाती हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे चेन्नई से कोयम्बटूर बैंगलोर वाली ट्रेन आती हैं, जो सनराइज़ है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही मुश्किल से इतना खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिलता है।
और कई लोग काठपाड़ी की वेल्लूर यूनिवर्सिटी में तो पढ़े ही होंगे, तो भाई जो लोग पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। इसीलिए जो स्टूडेंट्स के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे पढ़े होते हैं और बहुत सारी यादें लेकर के वो काठपाड़ी से अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट आइटम काठपाड़ी से कर ले ना, इडली वड़ा है क्या? एक दो काफ़ी गरम गरम ब्रेकफास्ट हमको यहीं पे मिल गया। कितना है? 50। थैंक्स सर। यहाँ हम काठपाड़ी से निकल रहे हैं और वहाँ पे चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है, यानी वाइट शताब्दी ऑफ इंडियन रेलवेज। बिल्कुल राइट टाइम हम लोग निकल चुके हैं काठपाड़ी से। अब हम लोग घूम के खूबसूरती से बढ़ चुके हैं तिरुपति वाली लाइन की ओर। दोस्तों यही वो ब्रेकफास्ट है जिसे हम लोगों ने काठपाड़ी से लिया था। ये 50 रुपीज़ का पड़ा, 4 इडली और 1 वड़ा, यहाँ पे चटनी और सांभर। मतलब इडली काफ़ी सॉफ्ट है, देखने में क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ट्रेन का कटलेट भी हम लोगों ने ले लिया है और मतलब इडली वड़ा तो ट्राई कर ही रहे थे, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बढ़िया काम चल जाएगा, जिसको अगर कटलेट पसंद हो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी हम लोग तो साउथ इंडियन फूड के शौकीन हैं, तो वही खाते पीते अपने सफर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग साउथ इंडियन फूड के शौकीन हो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। ट्राई करूँ ठीक है। तो गाइस इडली का टेस्ट देख लेते हैं जो हम लोगों ने काठपाड़ी से ली थी, और उसमें सबसे पहले चटनी के साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही है। वाकई में बहुत सॉफ्ट इडली है और चटनी स्पाइसी है, ऐसा लग रहा है मोमो की चटनी के साथ खा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। अब सांभर भी टेस्ट कर ही लेते हैं। मतलब ट्रेन में इतनी अच्छी इडली वड़ा की मैंने उम्मीद नहीं की थी, मतलब इडली सांभर बहुत ही अच्छा स्वाद है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। काठपाड़ी से जरूर ब्रेकफास्ट लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो आ रही है धर्मावरम से पकाला के लिए, और हम लोग आ रहे हैं अभी काठपाड़ी वाली लाइन से और पकाला जंक्शन को स्किप करेंगे। अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो यही वो द्वार है जहां से आपको तिरुमला में एंट्री मिलेगी और आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ 979 किलोमीटर की दूरी को तय करके अब हम लोग पहुंचे हैं
तिरुपति, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं तिरुपति किस लिए मशहूर है। श्री बालाजी के दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मतलब आप कन्याकुमारी से चलकर तिरुपति पहुँच सकते हो, दिल्ली जम्मू इन सभी रूट्स के यात्रियों के लिए हिमसागर अप एंड डाउन जर्नी के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, कन्वीनियंट ट्रेन है। और वैसे यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, समोसे से लेकर इडली वड़ा से लेकर डोसा सब चीज़ स्टेशन में अवेलेबल है, और मिल्क पार्लर भी है, और वड़ा इडली का तो आप सुन ही सकते हो। पर एक और अनोखी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है तिरुपति का प्रीमियम लाउंज, यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही है, इसे बोलते हैं अतिथि एयर कंडीशन प्रीमियम लाउंज, जिसका जो किराया वगैरह है वो भी आप यहीं पर देख सकते हो। तो तिरुपति आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म वन पे इसकी सुविधाओं का लाभ जरूर उठाइएगा आप लोग। गज 9:08 का यहाँ पे अपना अराइवल टाइम था, थोड़ा सा डीले के साथ यहाँ पे पहुँचे थे, पर 2 ही मिनट रुके यहाँ पे। वेंडर देखिए अभी भी ट्रेन में ही थे, मत ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकी नहीं है, मात्र 2 ही मिनट में चल दी है। अच्छा वो जल्दी से मैंने लॉन्च आपको दिखा दिया, वो एकदम बगल में ही था तो दिक्कत नहीं हुई दिखाने में। यहाँ तिरुपति से हम लोग निकल चुके हैं, अब बढ़ जाएंगे रेनीगुंटा गुडूर की ओर। दोस्तों यहाँ लगभग एक हफ्ते पहले ही हम लोग तिरुपति आए थे, तो वहाँ का प्रसाद भी है हमारे पास, और हम लोगों ने सोचा जब बालाजी के दर्शन कर लेंगे ट्रेन से उसके बाद ही उसका सेवन करेंगे। तो ये है यहाँ पे प्रसाद, लड्डू थे टूट चुके हैं लेकिन सच में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो भाई जिन लोगों ने ट्राई किए हैं कभी बताइएगा ज़रूर कैसे लगते हैं आपको ये लड्डू, तो बहुत ही रेयर हैं, स्पेशल हैं, और इनको खाने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ माउथ फ्रेशनिंग आपने खा लिया हो। दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेनीगुंटा जंक्शन पहुँच रहे हैं, और चेन्नई अरकोणम वाली लाइन आ चुकी है, जिसे आप चेन्नई मुंबई लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि यही लाइन रेनीगुंटा होते हुए गुटी की ओर बढ़ जाती है और आगे बढ़ती है मुंबई की ओर। भाई साहब एक साथ इतने सारे वेंडर्स, कहा यह जाता है कि जो लोग तिरुपति दर्शन कर रहे हैं और वो पद्मावती माता के दर्शन नहीं करेंगे तो उनका जो दर्शन है वो अधूरा रह जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए लोग पद्मावती दर्शन के लिए भी आते हैं तिरुचानूर में, तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो भाई इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। और यहाँ से पद्मावती काफ़ी करीब, मतलब 2-2.5 किलोमीटर है, तो अगर आप लोग ट्रेन रिटर्न की बोर्ड करना चाहते हैं तो रेनीगुंटा जंक्शन से ही बोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा जंक्शन है। खाने पीने की कोई भी दिक्कत होगी नहीं, आपने देखा इतने सारे वेंडर्स हैं, सभी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ से अब अपनी ट्रेन के चलने का भी समय हो चुका है, मात्र 2 मिनट का यहाँ पे भी हॉल्ट था, ट्रेन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी हो गई है। चलते हैं और डिपार्चर पे आपको अलग अलग रूट्स भी दिखाता हूँ मैं। इसको कहा जाता है दूध दुरंतो, मतलब मिल्क वैन है, इसलिए कहीं रोका नहीं जाता है, और बहुत सारे टाइम टेबल्स में आपने देखा होगा कि रेनीगुंटा से चलती है। खैर दूध दुरंतो तो यहाँ निकल गई, और हम लोग भी रेनीगुंटा जंक्शन से अब चल रहे हैं हिमसागर एक्सप्रेस में। कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक के सफ़र में काफ़ी हम लोगों ने चीज़ें एक्सप्लोर की, केरला के बैक वाटर से लेकर गर्मी तक, और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस खूबसूरत सफ़र में आगे की ओर रेनीगुंटा से। यहाँ हम लोग गुती वाली लाइन से अलग हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं विजयवाड़ा वाली लाइन की ओर।
दोस्तों यहाँ चेन्नई तरफ से लाइन आ रही है और हम लोग अब गुडूर जंक्शन पहुँचने वाले हैं और हम तिरुपति लाइन से बढ़ रहे हैं इसलिए गुडूर को जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे 1073 किलोमीटर की दूरी को तय करके गुडूर जंक्शन हम लोग पहुँच गए हैं। 11:18 का यहाँ पे टाइम था, 11:08 पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सफिशेंट टाइम अपने पास। वैसे इस जर्नी के पार्ट को यहीं पेंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोगों को मैं सेकेंड पार्ट में मिलूंगा जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें अभी साउथ बाकी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, फिर सेंट्रल इंडिया को पार करके पहुँचेंगे नॉर्थ इंडिया तक। वैसे साउथ की जर्नी इस ट्रेन में आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और एक और चीज़ भाई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार तो एक लाइक तो बनता है, मतलब ऐसे नहीं वर्बली नहीं, नीचे लाइक का बटन दिया है उसमें क्लिक करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलूंगा आप लोगों से जल्दी ऐसे और आने वाली जर्नीज में, ट्रेन वीडियोज़ में और इस ट्रेन की जर्नी के पार्ट टू में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद दोस्तों।